So let's wrap this up. Who is this person? I am fan of this person. This man is known as Viktor Emil Frankl. इनकी एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है Man Searches for Meaning, ठीक है ना? और ये एक phenomenologist थे. ये कौन थे? ये एक phenomenologist थे. ये एक existentialist थे, एक author थे, एक philosopher थे, एक psychologist थे, एक sociologist थे, एक थिंकर थे, एक ज्यूइस जो कि हॉलोकास्ट से बच करके निकले थे ऑस्विच कैंप से. ही वाज सो मच अ न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, फिलोसोफर, ऑथर एंड हॉलोकास्ट सर्वाइवर. हॉलोकास्ट एक टर्म दी जाती है जर्मनी में हिटलर ने जिन लोगों को मारा था, ज्यूज को, जिनकी संख्या 60 लाख से भी ज्यादा थी, उनमें से एक ये थे जो कि बच गए. और उन्होंने अपनी जो गाथा है उसको वर्णन किया है मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग में. ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोगोथेरेपी, अ स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी विच डिस्क्राइब्स ए सर्च फॉर अ लाइफ मीनिंग एज द सेंट्रल ह्यूमन मोटिवेशनल फोर्स. सो ही वॉज अ लोगोथेरेपिस्ट. कहा जाए लोगोथेरेपी के जनक कौन थे तो डॉक्टर एमिल फ्रैंकल थे. ये एक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ये एक ज्यू थे. अब बात आती है ज्यू यानी यहूदी. अब बात आती है कहानी यहां पे ये कि लोगोथेरेपी होती क्या है, लोगोथेरेपी होती क्या है. तो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में हमेशा कोशिश करता रहता है खुद को खोजने की. अगर हम उसकी इस सर्च को बढ़ा दें, Who am I? या What is this for? आपके आसपास जो भी है उसको देख करके सोचिए कि ये है किस लिए, तो आपको एक रियलाइजेशन होगी कि जो आपके पास है वो सब क्या है, मीनिंगलेस. सो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में मीनिंगलेसनेस को समझाने वाले व्यक्ति थे विक्टर फ्रैंकल. दैट लाइफ इज लाइफ एज यू टेक इट, अदर थिंग्स आर मीनिंगलेस. दिस मीनिंगलेसनेस इज लाइफ का मूल, मीनिंगलेसनेस में है, नथिंगनेस में है और कुछ भी नहीं है. सही है या नहीं है? है ना मजेदार? हाँ, कुछ अजीब सा है. ऐसे ही कुछ अजीब सा है दोस्त कि हम जब बड़े होते हैं, बचपन में हम सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तो हम पावरफुल होंगे, जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं बचपना अच्छा था. तो हम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उस जगह के मीनिंग को ठीक तरीके से समझ पाने की क्षमता हमारे अंदर होती नहीं है. जब हम जवानी में होते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं और बुढ़ापे में जाकर के ये गाड़ी, घोड़ा, पैसा, घर, सब चीजें जमा करने के बाद पता चलता है एक्चुअली ये सारी चीजें कुछ नहीं है. वास्तविकता क्या है? जो रिलेशन है वो आपको बिलीफ देते हैं, करेज देते हैं, सरवाइव करने के लिए उत्साह, मोटिवेशन देते हैं. इन चीजों के अलावा जो चीजें दिख रही हैं वो कुछ नहीं है. तो आपकी जो लाइफ है, वो लाइफ जिस चीज से अटैच करके आपने पूरी जिंदगी देखी, वो सब अर्थहीन थी, वो सब कुछ भी नहीं थी. सो लाइफ का मूल है नथिंगनेस एंड मीनिंगलेसनेस. ये एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का बेस है. इसी को खोजने के लिए लोगोथेरेपी को डिजाइन किया था किसने? विक्टर एमएल फ्रैंकल ने. कभी टाइम हो तो पढ़ करके देखिएगा. फिर आते हैं गॉर्डन विलार्ड ऑलपोर्ट. ऑलपोर्ट के बारे में हम ट्रेड थ्योरी कर चुके हैं, तो केवल उसका एक व्यू है. दैट ऑलपोर्ट सजेस्ट दैट कार्डिनल ट्रेड्स आर रेयर एंड डोमिनेट, यूजुअली डेवलपिंग लेटर इन लाइफ. याद रखिएगा,
कार्डिनल ट्रेट जो होते हैं उनके बारे में एक सामान्य धारणा है। मैंने हाल ही में एक बच्चे से पूछा तो मेरे को आंसर में एक बड़ी अजीब सी चीज दिखी कि उसे लग रहा था कि कार्डिनल ट्रेट बचपन में डेवलप हो जाते हैं, तो एक्चुअली ये उल्टा है। कार्डिनल ट्रेट बहुत बाद में दिखाई देते हैं लाइफ में। टर्म्स सच एज इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, शाई एंड एंसियस आर कंसीडर्ड सेंट्रल ट्रेट्स। ये क्या है? ये सब सेंट्रल ट्रेट्स हैं। तो अगर पूछा जाए कि जो हम कैटेगरी बनाते हैं, आप याद रखेंगे जो हम कैटेगरी डिजाइन करते हैं वो सारी कैटेगरीज कहां पे आती हैं? सेंट्रल ट्रेट के अंदर आती हैं। और सेकेंडरी ट्रेट आर समटाइम्स रिलेटेड टू एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस। आपके जीवन में आपने जो चॉइसेस की, आपकी जो लाइफ की जो प्रेफरेंसेस हैं, इस वर्ड को याद रखिएगा, और इसको एटीट्यूड और प्रेफरेंस क्या कहलाते हैं? आपके सेकेंडरी ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट होते हैं आपके जो कैटेगराइजेशन किया हुआ होता है, आप इंटेलिजेंट हैं, साई हैं, जो पर्सनालिटी के आप टाइप जनरली दिमाग में रहते हैं आपके वो। और डोमिनेटिंग ट्रेट होते हैं कार्डिनल ट्रेट, लेकिन वो आपकी लाइफ में लेटर ऑन डिवेलप होते हैं, जब आपकी आइडेंटिटी होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपके कार्डिनल ट्रेट्स आते हैं। हाँ जी सर, आपने बताया था कार्डिनल ट्रेट वो है जो एक व्यक्ति को बैलेंस प्रदान करते हैं, और सेकेंडरी ट्रेट में आपने बताया था सच्चाई, ईमानदारी, ये सब हमारे सेकेंडरी ट्रेट है। ये ले। इससे पहले कार्डिनल ट्रेट है और इससे निकल करके आएंगे सेकेंडरी ट्रेट। समझ में आई बात? अब गॉर्डन ऑलपोर्ट कह रहा है कि भाई इसने 1000 से ज्यादा पर्सनालिटी के ट्रेट्स को देखा जिन्हें कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट में देखा। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि पर्सनालिटी को एक अलग डिसिप्लिन के रूप में स्टैब्लिश करने वाले गॉर्डन ऑलपोर्ट थे। पर्सनालिटी को एज सच एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में स्टडी करने वाले कौन थे? गॉर्डन ऑलपोर्ट थे। इसके बाद में एक पर्सनालिटी अपने आप में डिसिप्लिन बन गया और इसमें काम करने वालों को कहा गया पर्सनोलॉजिस्ट। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और ये जाने जाते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे फंक्शनल ऑटोनॉमी और ट्रेट थियोरी के लिए। एक ऐसा सेक्शन जो कि कई बार मिस इंटरप्रेट किया जाता है, तो मुझे लगा कि मैं इसको आपको समझा दूं। आपके कार्डिनल ट्रेट हैं, सेंट्रल ट्रेट हैं और सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। भूल जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए आपका कोई एक ट्रेट है, ठीक है? आपका कोई भी एक ट्रेट है, आप उस ट्रेट के अनुरूप काम कर भी सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि आप उस ट्रेट के अनुसार काम नहीं भी करें। इस इच्छा को फ्री विल कहा जाता है। फिनोमोलॉजी में इसे वैल्यू फ्री कहा जाता है कि हर व्यक्ति खुद डिसाइड करता है कि वो अभी क्या करेगा। हमेशा जरूरी नहीं कि इसका निर्धारण ही हो। जैसे आप अगर एक प्रीस्ट से मिलेंगे तो वो प्रीस्ट क्या कहेगा? वो कहेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान की मर्जी है। आप कहेंगे कि मैं अगला पांव यहां रखने वाला हूं, अगर मैं यहां रख दूं तो वो कहेगा कि आप यहां रखने वाले थे, ऐसा आपका विश्वास है, लेकिन आप रखेंगे यहां, ये भगवान की मर्जी। एक दूसरा व्यक्ति कहेगा कि भाई मैं पांव कहां रखूंगा ये तो मेरी मर्जी है, पर हां मैं सारे पांव रखने के बाद शायद कहां पहुंचूंगा वो ओवरऑल हो सकता है कि भगवान की मर्जी हो।
यानी मैं सुबह उठ करके ब्रश कैसे करूंगा, ये तो निर्धारित भगवान नहीं करेगा ना, ये है फ्री विल, मेरी अपनी इच्छा, ये पहले से निर्धारित नहीं। इसी फ्री विल जैसा ही है फंक्शनल ऑटोनॉमी। आपका कोई एक व्यवहार जो आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में नजर आ रहा है, वो जरूरी नहीं कि वो आपके कार्डिनल ट्रेट को हमेशा फॉलो करे। जब आपका कोई एक सेकेंडरी ट्रेट या जो एटीट्यूड या बिहेवियर देखने को मिल रहा है, वो आपके कार्डिनल ट्रेट का अंदाजा लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इतना डिटरमिन मत कीजिए कि आप हर किसी की पर्सनालिटी को जान ही सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की पर्सनालिटी को जान नहीं सकते, निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल ऑटोनॉमी है। फंक्शनल ऑटोनॉमी यानी कि क्रियात्मक स्वायत्तता, कि आप किसी कार्य को कैसे करेंगे, आप उसके लिए आजाद हैं। यही फंक्शनल ऑटोनॉमी है जो कि ऑलपोर्ट के काम को बिहेवियरिस्ट होने से रोकती है और इडियोग्राफिक रिसर्च बनाती है। समझ में आई बात? इसका मतलब अगर क्वेश्चन बनता है कि एक व्यक्ति है और वो गॉर्डन ऑलपोर्ट के पर्सनालिटी के अनुसार अगर वो कोई एक व्यवहार कर रहा है, तो क्या उसके इस व्यवहार से उसके कार्डिनल पर्सनालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है? तो मे बी और मे नॉट। अब वो कह दे कि लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता है, ये किस कारण से हो रहा है? तो ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी। इस तरीके से यहां पे प्रश्न बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसको समझना जरूरी है। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछिए, मैं फिर से बताता हूं आपको। आज सभी लोगों ने साइकोएनालिसिस पढ़ा है। मैं कुछ लिख रहा हूं अभी हाल ही में। आई एम राइटिंग पर्सनैलिटी विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड लेट शेयर व्हाट आई एम राइटिंग इज अ वोल्केनिक पर्सनैलिटी। What is volcanic personality? आप यानी कि a person resembles the earth। उसका जो head है वो कुछ ऐसा ही है। उसके ऊपर जितना भी pressure था, दबाव था, वो जाकर के उसके अंदर store हो गया है। अगर वो इस प्रेशर को फ्री एसोसिएशन द्वारा या डायलॉग द्वारा या डिस्कशन द्वारा वो अगर शेयर कर देता है आपसे थोड़ा थोड़ा, तो ये प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। और अगर ये प्रेशर बनता रहा और वो रिलीज नहीं कर पाया, तो क्या होगा? ब्लास्ट। जो वोल्केनो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इस पृथ्वी पर दरार है, राइट? और इससे जो निकलने वाला थोड़ा थोड़ा लावा है, वो क्या करता है? वो एक पर्वत की शेप दे देता है। तो आपकी पर्सनैलिटी में दिखने वाले ये जितने भी मास्क हैं, वो सब इसी लावा जो आपके अंदर जमा है उसी के धीरे धीरे रिसाव के कारण बने हैं। सो योर बिहेवियर इज लॉन्ग टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ द वोल्केनो इनसाइड। आपका जो व्यवहार है वो आपके अंदर जो स्टोर्ड लावा था उसके बाहर निकलने के कारण, यानी योर कॉन्शियस, आपके कॉन्शियस में जो रिस्टोर्ड पर्सन है
वो बाहर निकलने के कारण उसने इस पर्सनैलिटी का निर्माण किया है, और इस धीरे धीरे उसने क्या किया है, यहां पे जो प्रेशर था उस प्रेशर को रिलीज कर दिया। जिस प्रकार से ये वॉल्केनिक ट्यूब जो होती है, जिस प्रकार से ये जो वॉल्केनिक ट्यूब होती है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेफ्टी वॉल्व ऑफ अर्थ। उसी प्रकार से वॉल्केनो को क्या कहा जाता है, सेफ्टी वॉल्व ऑफ अर्थ। अगर वॉल्केनो ना हो और ये छोटे छोटे इरप्शन पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में ना हो तो एटम बम की तरह पृथ्वी फट जाएगी। सिमिलरली अगर ये छोटे छोटे इरप्शन यानी कि शेयरिंग इज रिस्टोरेशन, अगर आप शेयर करते हैं तो आपके अंदर की जो एनर्जी होती है वो रिस्टोर कर जाती है, और क्या क्रिएट होता है, बैलेंस। सो दैट बैलेंस इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस, राइट। बट दैट डजंट मीन ये जो वोल्केनो नजर आ रहा है आज, यही वोल्केनो आपको ये पूरा अंदाजा दे पाए कि अंदर क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इनसाइड अर्थ कैन बी स्टोर्ड डिफरेंट मटेरियल्स दैट कैन बी इंग्रेडिएंट ऑफ डिफरेंट माउंटेन्स ऑल टुगेदर, डिफरेंट वॉल्केनिक इरप्शंस ऑल टुगेदर। ये है फंक्शनल ऑटोनॉमी, ये है फंक्शनल ऑटोनॉमी जो आपको अलग तरीके से फंक्शन करने की आजादी देती है, और इसके द्वारा आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या है, पर पूरी अर्थ में क्या है ये अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल इसके नीचे क्या है ये देखा जा सकता है, बट पूरी अर्थ में क्या है ये देखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए किसी भी इंडिविजुअल की पूरी पर्सनालिटी का अंदाजा उसके व्यवहार से लगा लेना संभव नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू वर्क एंड आई शेयर्ड विद यू दैट आई एम राइटिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। भाई ये तो हद ही है, लोगों को क्या कहते हैं उसे, आराम नहीं। अब ये पिक्चर क्या दिखा रही है, दिस इज द पिक्चर विच वॉज यूज टू शो फंक्शनल ऑटोनॉमी। ये फ्री विल की पिक्चर है, हेलो हाँ जी बोल रहा हूं, बताएं बताए बेटा मैं क्लास में हूं, अभी थोड़ी देर में क्लास से फ्री होता हूँ तो आपको कॉल कर लूंगा। पूरा रिदम ही खत्म कर देते हैं, मैं कल से स्विच ऑफ करके छोड़ूंगा इसको। दिस हैज बीन अ काइंड ऑफ अ पिक्चर विच इज यूज्ड टू कोरिलेट फ्री विल। एक व्यक्ति जो दिख रहा है वो कॉम्बिनेशन है घोड़े के पांव, है ना, ड्रैगन और ईगल की चोंच, मछली की पूंछ, स्नेक ड्रैगन सबका मिक्सचर है। दिस इज कॉल्ड इडियोग्राफिक आइडेंटिटी, फंक्शनल ऑटोनॉमी मैंने यूज की है, तुम मतलब ये मत सोचना कि तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैं फ्री विल को फंक्शनल ऑटोनॉमी से कनेक्ट करना चाहता था। सो दिस है, हाँ, ड्यू टू ये शो करता है कि क्रिश्चियनिटी की फ्री विल को दर्शा रहा है, दैट यू कैन हैव वन पर्सनालिटी इनसाइड बट यू कैन मैनिफेस्ट इट डिफरेंटली आउटसाइड। खैर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है मैकियावेलियनिज्म। मैकियावेली के बारे में सुना है आपने, मैकियावेली कौन थे शमरीन? सर, मैकियावेली
एक राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी? प्रिंस, द प्रिंस. ही इज नोन एज फादर ऑफ मैनिपुलेशंस, फादर ऑफ मैनिपुलेशंस, वाक्पटुता के जनक कहे जाते हैं. बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं जो वाक्पटु होती हैं, मैनिपुलेटिव होती हैं और डिसीटफुल होती हैं. कैसी होती हैं? डिसीटफुल. ऐसी पर्सनैलिटी को कहा जा सकता है इफेक्ट ऑफ मैकियावेलिज्म या इफेक्ट ऑफ मैकियावेली या मैकियावेली पर्सनैलिटी. व्हाट इज मैकियावेली पर्सनैलिटी? आपने कोई बात कही और वो आपकी बात को मान जाए. एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी लाइफ के अलग अलग मूव में अलग अलग चीजें शो कर सकता है. इन सभी के दौरान उसकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें एक सेम ट्रेट और सिमिलर ट्रेट दिखेगा. वो क्या होगा? आपने कही तो आपकी बात को भी मान लिया और आपने कही आपकी बात को भी मान लिया और आपके साथ आप जैसा और आपके साथ आप जैसा. ये डिफरेंट फेजेस ऑफ पर्सनालिटी अगर किसी के अंदर दिख रहे हैं तो वो मैकियावेलियन इफेक्ट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मैकियावेलियन इफेक्ट. तो ऐसा हो सकता है कि पर्सनालिटी में मैकियावेलियन इफेक्ट पे क्वेश्चन आ जाए. तो दो वर्ड याद रखने हैं, मैनिपुलेशंस एंड डिसीटफुलनेस. कौन से दो शब्द हैं? मैनिपुलेशंस एंड डिसीटफुलनेस. सर ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं? नहीं, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है. और फिलॉसफी के किसी एक सेक्शन को हम किसी दूसरे सेक्शन से जोड़ सकते हैं. तो मतलब मेरा फेवरेट एरिया है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके समझाना. दैट्स व्हाई द वर्क आई एम डूइंग. तो मैं बहुत समय से सोच रहा था कि पर्सनालिटी को किस एक रूप में समझाया जाए ताकि एक होल पर्सनालिटी के रूप में हम उसे समझ सकें. तो मैंने उसे ज्योग्राफी से कनेक्ट कर दिया है, राइट, उसे समझाने के लिए. तो कुछ कुछ मजा आएगा अगर लिखते रहेंगे तो. कितना हो पाता है, कैसे हो पाता है, वो डिपेंड करता है, है ना? खैर, तो दैट इज कॉल्ड मैकियावेलियनिज्म. खैर, हमने इस दौरान जिन चीजों पे काम किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो हमने पर्सनालिटी में काम किया है उसमें हमने कुछ खास एरियाज पे इन पे काम किया है. हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की थी शुरुआत में, टिचनर ने दिया था. एडवर्ड टिचनर के गुरु कौन थे? विल्हेम वुंड, जिन्होंने की पहली लैब बनाई थी. किस चीज पे विश्वास करता है स्ट्रक्चरलिज्म? ब्रेक्स कॉन्सियसनेस इनटू एलिमेंट्स बाय यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन. ऑलवेज रिमेंबर, ब्रेक्स कॉन्सियसनेस को वो एक स्ट्रक्चर के रूप में मानता है और उसे कुछ एलिमेंट्स में तोड़ देता है इंट्रोस्पेक्शन की सहायता से. दूसरा है फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स, जॉन डूई ऐसे थिंकर्स थे जो कि फंक्शनलिज्म में थे, जो बेसिकली प्रैग्मेटिस्ट मिलेंगे. जितने भी प्रयोजनवादी मिलेंगे वो सब कौन थे? वो सब फंक्शनलिस्ट थे. तो वो कहेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज हाउ माइंड फंक्शन टू हेल्प पीपल अडैप्ट एनवायरनमेंट. मैंने क्या वर्ड याद करने के लिए कहा था? अडैप्टिंग टुवर्ड्स एनवायरनमेंट के लिए जो आप करते हैं वो फंक्शन होता है. अटैक्स स्ट्रक्चरलिज्म के खिलाफ है. देन कम्स बिहेवियरिज्म, वॉटसन, स्किनर, पावलो, डॉलर्ड, मिलर, गुथरी एटसेट्रा. साइकोलॉजी एज ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ बिहेवियर, पिन पॉइंट याद रखने की बात है. अटैक मेंटलिज्म, अटैक मेंटलिज्म, दैट देयर आर मेंटल स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बट दे एग्जिस्ट. जो भी इसकी बात करेगा ये उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स है वो, तो जिसको अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता. स्किनर की टर्म है ये. यूज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, दे ऑल्सो से दैट इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट गुड.
they attack mentalism and introspection, right? So basically most of the behaviorists are functionalist. Most of the behaviorists are functionalist. Attacked structuralism and functionalism both. तो मैंने क्या कहा, मोस्ट ऑफ दी बिहेवियरिस्ट आर फंक्शनलिस्ट, बट व्हाई दे आर नॉट फंक्शनलिस्ट, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ये उन्हें फंक्शनलिज्म से अलग करता है. फंक्शनलिज्म प्योर ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास नहीं करता, प्योर ऑब्जेक्टिविटी इंपीरिकल स्टडी में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता. वो कहता है कि मेंटल क्रिएशंस हो सकती हैं, लेकिन बिहेवियरिज्म कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और प्योर ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास करना चाहिए, राइट? कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, व्हाट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? वर्टहाइमर, कोहलर, कॉफ्का, ये सब वो हैं जो आगे बढ़ाते हैं किसको, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को. रोल किसका है मुख्य रूप से, होल इज समथिंग अदर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. एरिस्टोटल ने कहा था, वर्टहाइमर ने रिकॉर्ड किया उसे, और अटैक्ड स्ट्रक्चरलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म. कई बार हमारे जहन में ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चरलिज्म को फेवर करता है गेस्टाल्ट, बट उल्टा है. हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म भी परसेप्शन में विश्वास करता है, तो हमें लगता है कि शायद वो ऐसा करता होगा, लेकिन परसेप्शन से हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर बनती है, ऐसा मानता है स्ट्रक्चरलिज्म. परसेप्शन से हमारे दिमाग में इनसाइट आती है, ऐसा मानता है गेस्टाल्ट. तो इसलिए गेस्टाल्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है ना. कॉग्निटिविज्म, यहां पे आप बहुत सारे लोग हैं, जिसमें कि मैं यहां पे चॉम्स्की क्यों कोट कर रहा हूं, बिकॉज चॉम्स्की का जो काम था वो था लैंग्वेज को लेकर के, लिंग्विस्टिक कॉग्निटिविज्म के रूप में. शुरुआत कहां से हुई थी कॉग्निटिविज्म की, ऑल्ब्रिच निशर एंड जेरोम ब्रूनर एंड पियाजे एंड चॉम्स्की. सोश अल्ब्रिच निशर, क्या कर रहे हो तुम लोग, किताब में दिया हुआ है और तुम उसे भी भूल गए. हे भगवान, है लिखा होगा. बिहेवियरिज्म इज नॉट एन एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन फॉर ह्यूमन बिहेवियर. बिहेवियरिज्म इज नॉट एन एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन फॉर ह्यूमन बिहेवियर, यानी व्यवहार सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं है, व्यवहार हमारे थॉट के कारण रिस्पॉन्स है, व्यवहार हमारे थॉट के कारण आया हुआ रिस्पॉन्स है. तो ह्यूमन थिंक बिलीव आर एंड बिलीव आर क्रिएटिव. तो बेसिकली लोग जो होते हैं वो सोचते हैं, विश्वास करते हैं और क्रिएटिवली आगे बढ़ते हैं. साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉयड, यंग, एडलर, हमने साइको एनालिसिस की तो इस सेशन में भद्दी पीट दी है, ठीक है ना, बट ठीक है. बिहेवियरिज्म इज रिजल्ट ऑफ अनकॉन्शियस कंफ्लिक्ट, रिप्रेशन एंड डिफेंस मैकेनिज्म. अब बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर रिजल्ट है हमारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का. और रियलिटी कहां है, रियलिटी हमारे बिहेवियर में नहीं है, हमारा बिहेवियर है ड्यू टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर माइंड. तो वो कहां से आ रहा है, दिमाग से आ रहा है. ह्यूमनिज्म, मैस्लो एंड रोजर्स, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, फिनोमोलॉजी से कनेक्ट करके भी हमने इसको किया. लुक एट पीपल एज होल्स, ह्यूमंस हैव फ्री विल, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि दोनों में कई जगह पे आपको कॉमन मिलेगी. फ्री विल, फ्री विल की बात किसने की थी सबसे पहले, रोजर्स ने की थी. आई विल शेयर दिस विद यू, नो प्रॉब्लम. साइकोलॉजिस्ट शुड स्टडी मेंटली हेल्दी पीपल. साइकोलॉजी में आपको ये सोचना है दैट पीपल आर made to be healthy, an environment and situation made them unhealthy. तो unhealthy से healthy की तरफ लेकर के आना psychology का मुख्य aim होना चाहिए, not just
mentally ill or maladjusted people. तो आपको सिर्फ maladjusted people या mentally ill people को नहीं पढ़ना चाहिए. आप लोग picture ले लीजिएगा जिसको भी लेनी हो. मैं आज मेकअप नहीं करके आया हूं इसलिए मैं आया हूं. ये रेड लाइन हटा दो एक मिनट. ये नहीं हट रहा. मैंने सुना है कि इसमें हो तो सब कुछ पाता है पर मुझे पता नहीं कैसे हटती है तो मैंने इस पे R&D किया भी नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिस्टम साइकोलॉजी. बार्कर एंड बेटसन ने बात की थी इसकी. ह्यूमन बिहेवियर मस्ट बी कंसीडर्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. एक सिस्टम के रूप में हमें ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना चाहिए. एप्लीकेशंस इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड फैमिली थेरेपी. फैमिली थेरेपी में और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यानी OB में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम बार्कर और बेटसन को पढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी. एडलर किसकी बात की. साइकोडायनेमिक थियरिस्ट थे. बेस्ट नोन फॉर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इंडिविजुअलिज्म इन साइकोलॉजी. बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दैट फिक्शनल फाइनलिज्म की बात किसने की. इन्होंने की. इसके अलावा मैन इज अ क्रिएटिव बीइंग. ठीक है ना. जिसे क्रिएटिव सेल्फ के रूप में ही बात की. हमने अभी भी बात की ऑलपोर्ट की. ट्रेड थियरिस्ट थे. नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी. Also distinguished between ideographic and nomothetic approach of personality. Ideography और nomothetic के बीच में अंतर बताया. Cardinal trait, central trait और secondary trait की बात की. Functional autonomy की बात करते हैं. Trait theorist थे जिन्होंने personologist की शुरुआत की. Basically Bandura. Behavior theorist थे known for social learning theory जो कि बाद में चलकर के कहलाई social cognitive theory. Bobadol experiment किया था. वाइकेरियस लर्निंग की बात करते हैं. वाइकेरियस मोटिवेशन की बात करते हैं. रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म पे इनका काम था. मॉडलिंग थियरी भी याद रहेगा. सेल्फ एफिकेसी पे काम है. इसको जरूर याद रखिएगा. बैम सैंड्रा बैम है ना. सैंड्रा बैम सजेस्टेड दैट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी वर टू सेपरेट डायमेंशंस आल्सो लिंक्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोजाइनी. एंड्रोजाइनी क्या होता है. फीमेल और मेल दोनों एनिमा प्लस एनिमस दोनों एक जरा एक टाइम पे पावरफुली एग्जिस्ट करते हैं बैलेंस में. कटेल ट्रेट थियरिस्ट हु यूज्ड फैक्टर एनालिसिस टू स्टडी पर्सनालिटी. तो ट्रेट एंड फैक्टर थियरी कहलाती है किसकी. कटेल की. जिसमें इन्होंने 16 PF टेस्ट दिया था. 16 personality फैक्टर टेस्ट दिया था. मुख्य जो आयाम है उसके उसमें इंट्रावर्जन और एक्स्ट्रावर्जन का कॉन्सेप्ट लिया था इन्होंने. तो इन्होंने क्या किया. इन्होंने यूंग का कॉन्सेप्ट लेकर के अल्पोर्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के और पेल दिया उसको साथ में. एंड दिस केम एज देन डॉलर्ड एंड मिलर बिहेवियरिस्ट थियरिस्ट हु अटेम्प्टेड टू स्टडी साइकोएनालिटिक कॉन्सेप्ट विद इन अ बिहेवियरिस्ट फ्रेमवर्क. भयंकर काम है. कहीं कीट कहीं का रोड़ा और डॉलर्ड मिलर ने कुंबर जोड़ा. ठीक है ना. अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट था इसके अंदर. ऑब्वियस सी बात है अगर आप घोड़े की बॉडी पे हाथी का सिर लगा देंगे तो पता नहीं सूंड का क्या करेगा मुझे नहीं पता. तो ऐसा ही कुछ किया था डॉलर्ड मिलर ने. बट इट्स अ गुड वर्क. एरिक्सन ईगो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने की साइको सोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात की. कितनी कितनी डेवलपमेंट स्टेज थी. ये जो आगे दिख रही है 8 stages थी और यही है जो कि साइकोसोशल पैराडाइम के जनक भी कहे जाते हैं. एक अलग साइकोलॉजी में कॉन्टेक्स्ट लेकर के आए. कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडेंटिटी कि सेल्फ से आपकी आइडेंटिटी डेवलपमेंट होती है. तो बेसिकली ये साइको एनालिस्ट थे. ये साइको एनालिस्ट थे जो बाद में साइको सोशल अप्रोच के जनक बने. और ये ईगो साइकोलॉजिस्ट थे. ईगो साइकोलॉजिस्ट थे यानी ये वो थे जो कि एना फ्रॉइड को फॉलो करते थे. राइट. तो ये एना फ्रॉइड कैरन हॉर्नाई के फॉलोवर थे बेसिकली अगर देखा जाए तो. वैसे कैरन हॉर्नाई से तो पहले थे लेकिन कैरन हॉर्नाई के साथ इन्होंने काम भी किया. नेक्स्ट आइजेंक ट्रेट थियरिस्ट थे यानी कि वही गॉर्डन ऑलपोर्ट के थ्रू चल रहे थे.
प्रपोज टू मेन डायमेंशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इन्होंने टाइप बताए थे पर्सनैलिटी के. तो जब ट्रेड टाइप की बात हो तो आइजैक, जब ट्रेड फैक्टर की बात हो तो कैटल, और जब ट्रेड की बात हो तो गॉर्डन ऑलपुट, है ना. तो इन्होंने इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन इमोशनल स्टेबिलिटी और न्यूरोटिसिज्म की बात की. एना फ्रॉयड जो कि फाउंडर है इको साइकोलॉजिस्ट की, इको साइकोलॉजी की, सिगमंड फ्रॉयड पता नहीं कौन थे, मेरे को ध्यान नहीं, मैं भूल गया हूँ. हाँ, अब इतनी बार नहीं बता पाऊंगा कौन थे. There was a teacher who wanted to tell me once he who was Sigmund Freud, and तब से मैं भूल गया हूँ Sigmund Freud कौन थे. तो psychodynamic theory who suggested there were three ways to relate to others, याद रखिएगा, moving toward, moving against and moving away from, ठीक है ना. ऐसा लग रहा है जैसे अपने पापा से, पापा की तरफ जा रही है, पापा के विरुद्ध जा रही है और पापा से दूर जा रही है. कैरन हॉर्नर ही पढ़ा तुम लोगों ने, मेरे कहने के बावजूद भी नहीं पढ़ा, बड़े बदतमीज साइकोलॉजिस्ट हो तुम लोग. जिसे मैं इतना इंटरेस्टिंगली तुम्हें बता रहा हूं कि कैरन हॉर्नर की स्टोरी में कुछ तो जरूर होगा ना, और तुमने वो स्टोरी नहीं पढ़ी, तुमने साइकोलॉजी का मजा ही खत्म कर दिया. मैंने क्या कहा तुम्हें, पापा की तरफ, पापा से दूर और पापा से बहुत दूर, ठीक है ना. चल कोई बात नहीं, पढ़ के देखिएगा, बढ़िया है वैसे कैरन हॉर्नर को पढ़ना, अगर आप अपना एक दिन एक रात बर्बाद करना चाहते हैं तो. भाई मजबूरी है, आपको विचार करना ही पड़ेगा. इफ यू रीड कैरन हॉर्नर, कोई अपनी जीवन को इतना उन्मुक्त होकर के नहीं लिखता जैसे गांधी ने लिख दिया, जैसे कैरन हॉर्नर ने लिख दिया. सिगमंड फ्रॉयड तो अपनी लाइफ को उतना इंटरनली लिख ही नहीं पाए ना, क्योंकि उन्हें तो अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह थी. साइकोएनालिसिस के जनक थे, एक नई बात कर रहे थे, तो उन्हें उस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो नहीं लिख पाए. लेकिन कैरन हॉर्नर ने, मजेदार, एना फ्रॉयड नहीं लिख पाई क्योंकि अगर वो अपने बारे में लिखती तो लालछन पापा के ऊपर लगता, ठीक है ना. तो फिर लिखा किसने, कैरन हॉर्नर ने लिखा, अब्राहम मैस्लो ने लिखा, बैंडूरा ने लिखा, है ना. ऐसे लोगों को पढ़ो, एक दो और भी बताऊंगा आपको बढ़िया लिखा उन्होंने अपने बारे में. कार्ल गुस्ताव यंग ये सच्चाई नहीं लिख पाए कभी भी, ये तो एक नंबर के झूठे थे. लेकिन हाँ, साइकोडायनेमिक थियरिस्ट थे. Who broke with Freud? देखो सबसे पहली लाइन क्या है, फ्रॉइड से नाता तोड़ लिया. मतलब इन्हें लग रहा था कि इन्हें अपनी अलग जिंदगी बसानी है, तो पापा को पीछे छोड़ दिया जिसने सिखाया था सब कुछ. कॉन्सेप्ट ऑफ लिबिडो को लेकर के ये हुआ था बेसिकली, वो कहते थे कि भाई सेक्सुअलिटी को ज्यादा जोर मत दो. पर फ्रॉइड तो केवल थियोरी में सेक्सुअलिटी डालते थे, ये तो थेरेपी में भी सेक्सुअलिटी डाल रहे थे. यानी इनके बहुत सारे अपने क्लाइंट से सेक्सुअल रिलेशंस थे. तो देखो इन्होंने जो थियरी दी थी ना, जो फ्रॉइड ने, ये सही चेले थे, उसको इन्होंने लागू करके देखा पहले, है ना. सजेस्टेड दैट अनकॉन्शियस कुड बी डिवाइडेड इनटू द पर्सनल अनकॉन्शियस एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस. जब भी कलेक्टिव अनकॉन्शियस आए तो क्या मारना है, यंग मारना है. विद आर्कटाइप, आर्कटाइप की बात की इन्होंने, तो मतलब मैं मजाक में इनका विरोध कर रहा हूं, अदरवाइज मैं एक आर्कटाइप को ऐड कर रहा हूं, दैट आर्कटाइप इज अर्थ, द यूनिवर्सल आर्कटाइप फॉर पर्सनालिटी इज अर्थ. अर्थ इज एन आर्कटाइप फॉर पर्सनालिटी, एंड व्हाई एवरीथिंग इज राउंड इन दिस होल वर्ल्ड, दैट राउंडनेस इज अ फंक्शनल आर्कटाइप ऑफ दिस यूनिवर्स. Based Kelly, George Kelly, based personality theory on notion of individual as scientist. हर बंदा एक साइंटिस्ट है, अपना मीनिंग अपने आप कंस्ट्रक्ट कर लो, खुद पे काम करो, खुद का विकास करो, खुद कोई सब खुद थे. Then Kahnberg, object relation theorist. Klein, Melanie Klein, object relation theorist. Levin, field theorist, जो phenomenological personality theorist who developed field theory. अब यहाँ पे फिनोमोलॉजिकल लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिएगा गेस्टाल्ट, इसी को कर दीजिएगा सोशल साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कर्ट लेविन.
एंड कोई आधा दर्जन और भी नाम ले सकते हैं, पर फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए इतना काफी रहेगा। तो बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज वे में आपको जिस्ट दे दिया है मैंने, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम चालू करते हैं टेस्टिंग। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लूं आप लोगों की आज्ञा है तो, और उसके बाद चालू करें। चलो लेट्स डू दिस। हमारे जीवन में वही घी और सीताफल रखा हुआ है। चलिए, हम बात कर रहे थे टेस्ट की। 2 टेस्ट करवाऊंगा आज। कुछ टेस्ट मैंने MBTI करवाया था आपको पहले, इसके अलावा हमने 16PF किया था, ध्यान दिवाई इधर। तो हम आज 2 टेस्ट करेंगे। एक तो है बेल्विन टीम रोल इन्वेंटरी। बेल्विन का टीम रोल इन्वेंटरी जो है वो एक एक्शन ओरिएंटेड रोल्स की बात करती है, पीपल ओरिएंटेड रोल की बात करती है और सेरेब्रल रोल्स की बात करती है। यानी कि 2 प्रकार के तो रोल ऐसे होते हैं जो एक्शन या पीपल होते हैं, तीसरे होते हैं जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं, बेसिकली जो आपके दिमाग से होकर के आते हैं। कोऑर्डिनेशन, शेपर, प्लांट, मॉनिटर, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटर, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, टीम वर्कर, कंप्लीटर और फिनिशर और स्पेशलिस्ट। आप इन नामों को देख करके समझ ही गए होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन में काम होने वाला, काम आने वाला टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? जो ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। 1 कोऑर्डिनेटर और शेपर, नॉट बोथ फॉर लीडर। अगर लीडर के लिए देखा जाए तो इसके अंदर कौन सा रोल है? या तो कोऑर्डिनेटर या फिर शेपर। अ प्लांट टू स्टिमुलेट आइडिया। प्लांट जो स्टिमुलेट करे आइडिया को, जहां जिसको आइडिया बहुत आते हो ना, वो कौन सी हो गई? प्लांट पर्सनैलिटी हो गई। क्या हो गई? प्लांट पर्सनैलिटी हो गई। अ मॉनिटर या इवैल्यूएटर टू मेंटेन ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी। ऑनेस्टी और क्लैरिटी के लिए क्या हो गया? मॉनिटर या इवैल्यूएटर। 1 or more इंप्लीमेंटर, टीम वर्कर, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर और कंप्लीटर फिनिशर टू मेक थिंग्स हैपन। डूइंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो गई ये वाली। इस तरीके से क्या किया गया? बेल्विन ने 9 टीम रोल्स किए दिए। ये क्या है? 9 टीम रोल्स हैं, नॉट ऑन इंडिविजुअल्स। तो उसने क्या बोला? नोबडी इज परफेक्ट बट ए टीम कैन बी। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक टीम परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि उस टीम में हर कोई दूसरे की कमी को भर देता है। Used to place individual in the most effective team roles, categories team roles under 3 orientation. तो ये 3 orientation के अंदर ये 9 roles को रखा गया। हर रोल के लिए एक पर्सनैलिटी के ट्रेड की बात की गई और इसको अगर फिल कर दो तो एक पूरी टीम हो जाती है। तो आपको क्या देखना है? अब ध्यान से समझो, आपको क्या देखना है? आपको देखना है एक शेपर लेना है या कोऑर्डिनेटर लेना है। डिपेंड करता है आपका काम कैसा है। टीम बड़ी है तो आपको शेपर की जरूरत नहीं, कोऑर्डिनेटर की है। टीम छोटी है तो आपको शेपर की जरूरत है। अब एक बंदा होगा जो आइडिया बनाएगा, आइडिया लेकर के आएगा, तो आपको एक चाहिए प्लांट, राइट? मॉनिटर या इवैल्यूएटर टू मेंटेन। मॉनिटर कब? जब टीम बड़ी हो, मेंबर्स को देखना हो, मॉनिटर करना हो। इवैल्यूएटर जब टीम छोटी हो। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको जरूरत पड़ेगी एक मॉनिटर की। क्लासरूम में कौन होता है? मॉनिटर होता है। 1 or more इंप्लीमेंटर, टीम वर्कर, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर और कंप्लीटर या फिनिशर। तो मैं मान के चलता हूं यहां पे एक इंप्लीमेंट, जो इस प्लान को इंप्लीमेंट करेगा या करवाएगा, उसकी जरूरत होगी। और आपकी टीम हो गई पूरी, आपकी टीम हो गई पूरी, और इसमें अब किसी भी चीज की कमी नहीं रही। तो हर चीज इस इंडिविजुअल में आपको पूरी नजर आएगी। पर इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल इज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक टीम है। तो टीम कैन बी परफेक्ट। इसको लेकर के डॉक्टर मेरेडिथ बेल्विन ने
एक बैलेंस्ड वर्किंग टीम को बनाने के लिए इस स्केल को, इस टेस्ट को जनरेट किया था। तो ये कोई पर्सन पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है, बल्कि ये टीम पर्सनैलिटी टेस्ट और मेजरमेंट है, राइट? इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी का मेजरमेंट और टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि हमें जो क्वालिटी की जरूरत है वो उस व्यक्ति में है या नहीं है। तो हम व्यक्ति का चुनाव उसकी क्वालिटी देख करके नहीं करते, हम एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए व्यक्ति का चुनाव करते हैं। यानी पहले ही हमारे जहन में होता है कि हमें ये वाली पर्सनैलिटी ढूंढनी है, जिसके अंदर है उसका चुनाव कर लिया। आर यू गेटिंग इट? जौहरी विडो, दिस इज बेसिकली जो हैरी विडो, जोसेफ लफ एंड हैरी इंगम ने 1955 में जो हैरी विंडो टेस्ट की शुरुआत की थी, यूज टू हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। आपके इंटरपर्सनल रोल और रिलेशनशिप को समझने के लिए ये हेल्प करती है। सब्जेक्ट चूजेस 5 or 6 आउट ऑफ ए लिस्ट ऑफ 55 एब्जेक्टिव। कितने एब्जेक्टिव होते हैं? व्हाट आर एब्जेक्टिव? किसी भी पर्सनालिटी को आपको एक्सप्लेन करना हो तो उस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कुछ एडजेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। उन्हीं एडजेक्टिव्स को चूज कर लिया, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऑलपोर्ट ने बहुत सारे शब्दों को लिया था, 1000 से ज्यादा ट्रेट ओरिएंटेड शब्दों को लिया था, टोटल तो 4000 लिए थे लेकिन छटनी करके 1000 उसमें से निकाल लिए थे। वैसे ही 55 एब्जेक्टिव्स लिए जाते हैं, इसमें से 5 और 6 को चूज कर लिया जाता है। पीयर ऑफ द सब्जेक्ट आर देन पिक 5 और 6 एडजेक्टिव्स विच दे थिंक डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। एक व्यक्ति ये है, एक ये है, ये 5-6 को लेगा इनमें से इस बंदे को डिस्क्राइब करने के लिए। सिंपल है, हाँ या ना? ठीक है। क्यों कहते हैं विंडो? दिस इज जो हैरी विंडो। ईच एडजेक्टिव इज प्लेस्ड इन 1 of 4 क्वाड्रेंट्स। हर एडजेक्टिव को किसी एक जगह पर रखा जाएगा। टीम मेंबर एंड लीडर शुड स्ट्राइव टू इंक्रीज देयर ओपन फ्री एरियाज एंड टू रिड्यूस देयर ब्लाइंड हिडन एंड अननोन एरियाज। If you are not able to know somebody's personality, is it good or bad? अगर कोई व्यक्ति है जिसके बारे में आप जांचने में या जानने में सक्षम नहीं है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? यानी कि उसका इंटरपर्सनल सर्कल जो होगा वो क्लोज होगा। अननोन, हिडन और ब्लाइंड इज प्रॉब्लम। अननोन साइड ऑफ पर्सनैलिटी, हिडन साइड ऑफ पर्सनैलिटी और ब्लाइंड साइड ऑफ पर्सनैलिटी, दिस इज ओपननेस इन योर पर्सनैलिटी। सो यू वॉन्ट दैट योर पर्सनैलिटी should be open. Open का मतलब क्या हुआ? Open का मतलब दो प्रकार से देखा जाता है। एक घर की खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती हैं ताकि हवा जा सके, ताकि अंदर से नॉलेज बाहर जा सके। जो टीचर की खिड़कियां और स्टूडेंट की खिड़कियां अंदर की तरफ खुलती है हर चीज को ग्रहण कर लेने के लिए, पर खिड़कियां पूरी खुली हुई हैं तो ट्रांसपेरेंसी है,
पीछे का दिख रहा है, यानी कुछ छुपा हुआ नहीं। पर अगर खिड़कियां पूरी बंद हैं, तो पता नहीं कि इस काले दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है, यानी संशय है, स्केप्टिसिज्म है, आपको इस पे पूरा विश्वास नहीं। ये सारी चीजें हैं अननोन के केस। पर अगर हिडन है, हिडन का मतलब क्या होता है? पार्शियली विजिबल, बट यस स्टिल यू कैन नॉट सी इनसाइड, दैट इज कॉल्ड हिडन। और ब्लाइंड है मतलब कि आपने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। तो अगर कोशिश की जाए तो आप उसके अंदर झांक सकते हैं, वरना नहीं झांक पाएंगे। अब आप उस एडजेक्टिव को इन चार क्वाड्रेंट में से किसी एक में रखते हैं। अगर ब्लाइंड किसे कहा जाएगा जो नोन टू अदर है बट नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू सेल्फ, सबसे गड़बड़। हिडन, नॉट नोन टू अदर्स बट नोन टू सेल्फ, एंड ओपन मीन्स नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ। आसान है, एडजेक्टिव की बाद में बात करेंगे, पहले कुछ थोड़ा सा और जांचना चाहूंगा।